राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भोलेनाथ को समर्पित सावन माह भोलेनाथ के व्रत पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह माह भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इस माह में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें इस माह में अगर गलती से भी कर लिया जाए तो भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। हम सभी सावन माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कई जतन करते हैं। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वह अपने भक्तों की थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर सावन के माह में कर लिया जाए तो उससे सावन माह में किए गए सभी व्रत और पूजा निष्फल हो जाते हैं और हो सकता है कि भोलेनाथ भी आपसे नाराज हो जाए। इसलिए इन कार्यों को सावन माह में करने से सदैव बचना चाहिए। सावन माह भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो सुहागन महिलाएं इस माह में भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करती हैं और व्रत करती हैं, माँ पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। माँ पार्वती का व्रत और पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। महिलाओं को ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है, जहाँ उनके किए हुई पूजा पाठ और शुभ कार्य पूरे परिवार को खुशियाँ देते हैं, परिवार में खुशहाली ले आते हैं। वहीं अगर महिलाएं सावन माह में कुछ गलत कार्य करती हैं, कुछ वर्जित कार्य अगर सुहागन महिलाएं सावन माह में कर देती हैं, तो इसका नुकसान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। सुहागन महिलाओं के साथ ही भोलेनाथ के सभी भक्तों को सावन माह में कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे उन्हें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके और व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिले। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सावन माह में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। सावन माह भोलेनाथ की भक्ति करने का माह है। यह माह भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माह है। इसलिए इस माह में रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले भोलेनाथ का पूजन करें, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप पूजन से पहले फलहार का सेवन कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूजन ना कर सके और आपको कोई गंभीर समस्या है तो आप सुबह उठकर सबसे पहले भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से आपको रोग से छुटकारा मिल जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में जो व्यक्ति सुबह उठकर भोलेनाथ का पूजन ना कर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें दोष लगता है। ऐसा करने से पाप में वृद्धि होती है और जब मनुष्य के पाप बढ़ जाते हैं तब उसका भाग्य साथ नहीं देता। ऐसा करना दुर्भाग्य को बढ़ावा देना होता है। इसलिए सावन माह में रोजाना भोलेनाथ का पूजन करें और उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। महिलाओं को सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सात्विक भोजन बनाकर उसका भोलेनाथ को भगवान शिव जी के पूरे परिवार को भोग लगाना चाहिए, उसके पश्चात ही अपने परिवार सहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और शिव परिवार का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। कई बार महिलाएं रात्रि के समय ज्यादा सब्जी बना लेती हैं और जिसका सुबह नाश्ते में सेवन किया जाता है, लेकिन सावन माह में ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन माह में बासी भोजन का सेवन करने का मतलब है आप तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य में सात्विक, राजसी और तामसिक तीनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है और जिस तरह का आप भोजन करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति हावी हो जाती है।
इसलिए अगर आप तामसी भोजन ग्रहण करेंगे, बासी भोजन ग्रहण करेंगे या फिर इस माह में प्याज लहसुन मीट अंडे का सेवन करेंगे, मदिरा तंबाकू वगैरह का सेवन करेंगे, तो आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और जिस मनुष्य के अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसके मन में बुरे विचार आने लगते हैं, वह गलत कार्य करता है, क्रोध करता है, लड़ाई झगड़े करता है। और जो मनुष्य लड़ाई झगड़े करता है, क्रोध करता है या कोई भी गलत कार्य करता है, किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार लाता है, ऐसे मनुष्य से भोलेनाथ कभी भी प्रसन्न नहीं होते। शिव पुराण में वर्णित है कि गलत विचार वाले व्यक्ति के व्रत और पूजन को भोलेनाथ कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सावन माह में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो भोलेनाथ को पसंद नहीं है। खासकर तामसिक भोजन का सेवन इस माह में भूल कर भी ना करें। सुहाकर महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सावन माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन माह भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माह है। इस माह में भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, इसलिए इस माह में अधिक से अधिक हर पल हर क्षण आपको भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सावन माह सौभाग्य का माह है। इस माह में सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान माँ पार्वती देती हैं। इसलिए इस माह में सौभाग्यवती स्त्रियों को अधिक से अधिक श्रृंगार करके रहना चाहिए। इस माह में सुहागर महिलाओं को कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना ही इस माह में आपको काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। महिलाओं के साथ ही कन्याओं को और पुरुषों को भी इस माह में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग सौभाग्य का प्रतीक नहीं होता, यह दुर्भाग्य और नकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसलिए सावन माह में काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। सावन माह सौभाग्य का माह है, इसलिए इस माह में अधिक से अधिक हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस माह में जो महिला कन्याएं हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं और हरे रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन माह में बाल और दाढ़ी नहीं काटने चाहिए। खासकर सुहागन महिलाओं और कन्याओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, सफाई के लिए बाल हटा सकती हैं, लेकिन सिर के बाल आपको इस माह में भूल कर भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि सिर के बाल भी सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। साथ ही इस माह में आपको अधिक से अधिक साज श्रृंगार करके रहना चाहिए। इस माह में सुहागर महिलाओं को माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के पश्चात वह सिंदूर रोजाना अपनी मांग में लगाना चाहिए। और कुंवारी कन्याओं को इस माह में माँ पार्वती को मेहंदी अर्पित करने के बाद वह मेहंदी लगानी चाहिए। सुहागन महिलाओं भी मेहंदी लगा सकती हैं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ पार्वती की कृपा से कुंवारी कन्याओं के जल्द ही विवाह के योग भी बनते हैं और सुयोग के बल की प्राप्ति होती है। इस माह में वैसे तो 16 श्रृंगार करने का रिवाज है, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार ना कर सके तब भी आपको बिछुआ, पजेब, चूड़ी अवश्य ही पहनने चाहिए। गले में मंगलसूत्र जरूर पहने। मंगलसूत्र अगर आप नहीं पहनती हैं तो आप गले में कोई माला या चैन जरूर पहने। आपको कुंडल, नोज पिन जरूर पहननी चाहिए। ये जो श्रृंगार की चीजें हैं, इनका खास तौर पर ध्यान रखें और इन्हें सावन माह में भूल कर भी ना उतारें। और आपको हमेशा मांग भर कर रखनी चाहिए। कन्याओं को भी इस माह में अपने हाथों में चूड़ी या ब्रेसलेट वगैरह पहननी चाहिए। अगर आपके नाक कान छिद रहे हैं तो आपको कुंडल और नोजपिन भी जरूर लगाना चाहिए। सावन माह में कन्याओं और महिलाओं को भूल कर भी बाल खुले नहीं रखने चाहिए। खुले बाल रखना दुर्भाग्य का सूचक है। रामायण में माँ सीता ने भी माँ सीता को बाल बांध कर रखने की ही सलाह दी थी। इसलिए सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें, महिलाएं अपने बाल बांध कर रखें। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इस माह में शिवलिंग का जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है और पाप नाशक होता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सावन माह में जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं।
लेकिन भोलेनाथ का पूजन करते समय सुहागन महिलाओं और कन्याओं को, खासकर कन्याओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिस जगह जल और बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, उसका स्पर्श भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोलेनाथ का बैरागी स्वरूप है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ तपस्या करते हैं और महिलाओं और कन्याओं को इस समय भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना माँ पार्वती उनसे क्रोधित हो जाती हैं। आप भोलेनाथ की प्रतिमा का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का ना करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान आप भोलेनाथ का पूजन सिर्फ मानसिक रूप से करें, यानी कि पीरियड के दौरान ना तो आप जल चढ़ाएं, ना ही भोलेनाथ का स्पर्श करें, ना ही मंदिर में जाएं, ना ही आप भोलेनाथ को भोग लगाएं। पीरियड के दौरान आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ का सबसे खास मंत्र है ओम नमः शिवाय, और अधिकतर सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ही भोलेनाथ का पूजन करते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार महिलाओं और कन्याओं को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर भोलेनाथ का पूजन करना वर्जित होता है। महिलाओं और कन्याओं को नमः शिवाय या फिर ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप कर ही भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय शिव शंकर।